बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये प्याज जो मैंने चॉप की थी वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी ताकि अच्छी तरह दोनों मिक्स हो जाए। ये देखिए कीमा प्याज मैंने अच्छी तरह चॉप कर ली। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। जितना अच्छी तरह मिक्स होंगे उतने ही अच्छे आपकी ये गोलियां बनेंगी। इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं। इतने में आपको चाट बनाना बताती हूँ, वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अब इतने मैंने गोलियाँ रख दी थी, इतने में अब आपको ये दही वाली चाट बनाना बताऊँगी। एक किलो मैंने दही ली थी, एक मलाई का पैकेट डालूंगी इसके अंदर में। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक, सादा नमक, काली मिर्चें और थोड़ी सी वाइट, बस, और एक कप चीनी। चीनी भी मैंने पीस ली थी। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसमें मैं भुना हुआ जीरा डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जीरा डाल के मैंने अच्छी तरह इसको भी बीट कर लिया दही को। अब मैं इसमें सेव ऐड करूंगी, अंगूर डालूंगी और केले डालूंगी। इस तरह करके तिरछे केले ऐड करूंगी। बहुत ही मज़े की बनती है, इसे ठंडी करके खाएं आप, बहुत मज़े की लगेगी। सारे केले मैं इसी तरह इसमें डालती रहूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चाट बनके तैयार हो गई। कितने मज़ेदार ये चाट बनी है, ठंडी होके बहुत मज़े की लगती है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको गोलियाँ दिखाती हूँ किस तरह मैं बनाऊँगी। ये देखिए मैंने गोलियाँ बना ली हैं छोटी छोटी, और मैं इसे पानी में बॉईल करूँगी। हो गया, अब मैं इसमें बॉईल करूँगी। और छोटी बनाना चाहें तो आप छोटी बना सकते हैं, और पर मैंने छोटी तो नहीं खैर कह सकते इसे। और इस तरह करके ना सारी एक उबाल आएगा तो मैं इसको निकाल लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोलियां बॉईल हो गई अच्छी तरीके से। अब मैं हल्की सी इसमें प्याज डालूंगी थोड़ी सी,
छोटी सी डली, इसको हल्का सा वो करूंगी। ये देखें थोड़ी सी प्याज हो गई, अब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, अमचूर डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा इमली का पानी, इमली का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर ये डालती हूँ। बहुत ही मजे की ये बनती है चटपटी। ऐप तो अपलोड करोगे। अब अगली रेसिपी सीखिए। ये देखें गोलियां बनके तैयार हो गई, ऊपर से आप इसमें चाट मसाला डालें, और ये मीठा भी तैयार है मेरा बनके। इसमें मैंने काले अंगूर डाल दिए ऊपर से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।